इसी के साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो मैडम, हमको सर से बात करने की थी। बिल्कुल अजय जी, आप बात कीजिए, सवाल करिए अपना। हमारे 3 सवाल है मैडम, लिख कर लीजिए। जी बोलिए। हमारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है, 2 महीने हो गए, और मेरे पेट में थोड़ा गैस बनता है और लेफ्ट साइड छाती में दर्द होता है। ऑपरेशन कहाँ का हुआ? सास फुलती नॉर्मल बैठे बैठे, अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का, ठीक है। और दूसरा सवाल? और मेरे लेफ्ट साइड चेस्ट में थोड़ा दर्द होता है और पेट में गैस बनती है। ठीक है, और कोई सवाल? और सफेद दाग का मैंने ऑर्डर किया है गोलमोरिंगा कंपनी से तुम्हारे यहाँ, वो सब उसकी प्रॉब्लम है। वो तुमने बताया था ना, गोलमोरिंगा ले लो और वापसी और ले रहे हैं मैं। ठीक है जी। हाँ देखिए, ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन जब हम कराते हैं तो इसमें काफ़ी तेज़ असर दवाएं हमें परेशान करके डालती है। उस वक्त के लिए वही दवा बेहतर थी जो आपने ली, लेकिन वो अपने कुछ नुकसान छोड़कर जाती है हमारी बॉडी पर। और जिसको भी ऐसा हो कि एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा खानी पड़े, कुछ लोग ऑपरेशन के बाद खानी ज़रूरी है, कुछ लोग बुखार में खाते हैं, और जिन लोगों को भी 15 दिन से ज़्यादा दवाएं खाना एलोपैथिक मजबूरी हो, तो उन्हें चाहिए कि धनिया का पाउडर बना लें। धनिया का पाउडर बना लें, 200 ग्राम धनिया का पाउडर बना लें और 100 ग्राम मेथी का पाउडर बना लें, इन सबको मिला लें। और इसमें आप एक नमक आता है जिसे नमक जैतून कहते हैं, नमक जैतून लें, और ये धनिया का पाउडर आधा चम्मच जो आपने बनाया है और जैतून का नमक एक चुटकी या 2 चुटकी इसमें मिला के 1 चम्मच में रोज़ाना सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले खाएं और रात को खाने से आधा घंटा पहले खाया करें, तो आपकी ये समस्याएं ठीक होना मुमकिन है। बिहार से हैं सुरेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। है ना, हमारे दो है, हमारी वाइफ और हमको, दोनों को कमर से और पैर में दर्द होता है। कमर दोनों की जकड़न। उम्र कितनी है? हमारी उम्र है लगभग 65 वर्ष और पत्नी की उम्र है 55 वर्ष। ठीक है। कितने कितने सालों से है दोनों को? कम से कम 5 साल 10 साल से है। अच्छा देखिए, 5 साल 10 साल आपने क्या इलाज नहीं किया होगा मैं जान सकता हूँ, और आप अपनी पत्नी के लिए और पत्नी आपके लिए कितना परेशान रहते होंगे और बच्चे अलग। अच्छा देखिए, 5-10 साल नहीं चाहिए मुझे, आपने सारे इलाज कर लिए, मुझे 2-3 महीने चाहिए आपसे सिर्फ। और उसके लिए आपको करना क्या है कि 2-3 महीने तक मेहनत ना करें, वजन ना उठाएं, पोंछा नहीं लगाएं, आपकी पत्नी के लिए और आपके लिए हिदायत है। और ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट लगवा लें, नहीं है तो लगवा लें, ये हिदायत है। अपनी ज़रूरत कुर्सी वाले बाथरूम में पूरी किया करें दोनों लोग, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बार बार ठीक होंगे, बार बार यही सब हो जाएगा। और एक आता है गौंद स्याह, स्याह यानी काला, इसे गौंद स्याह भी कहते हैं और काला गौंद भी कहते हैं, लेकिन अब परेशानी ये हो गई कि दुकानदार बहुत बेईमान हो गए, जिन दुकानों से हम ये चीज़ें लेते थे वो सब नकली रखने लगे, तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। दुकानदार से हम जाके मांगते हैं गौंद स्याह, तो वो एक गौंद दे देता है काला सा, उसको एलवा कहते हैं, ये एलवा नहीं है ना ढाक का गौंद है, ये गौंद स्याह है जो चमकता नहीं है। और दुकानदार जो हमें गौंद देता है वो चमकता है शीशे की तरह, तो चमकने वाला नहीं लेना। और 100-100 ग्राम आप दोनों ले लीजिए अपने रोग के लिए, और 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है बस। आपने लाखों रुपए की दवाइयाँ खा ली होंगी,
एक ग्राम रोजाना खाइए, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के पश्चात, एक ग्राम रात को खाने के बाद। ये आपको खाना है पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। आप 5-7 दिन बस सब्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना इंतज़ार करें। 1 महीने में इतना फ़ायदा होना चाहिए कि आपको इत्मीनान आ जाए, और 3-4 महीने में इतना फ़ायदा कि हम दोनों को इत्मीनान आ जाए। लेकिन असली लेना आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे सेवन करें, दोनों पति पत्नी का ठीक होना मुमकिन है। यमुनानगर से है राजेश, स्वागत है आपका। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। मैडम जी, मैं आप नुस्खा यूज कर रहा था जी, पत्थर चट और वो पथरी के लिए जी। मेरे को पथरी है बहुत बड़ी, 30 mm और 12 mm की। 20 दिन हो गए मैं यूज किया पत्थर चट, कलमी शोरा और खसखस भी। अब 3 दिन से प्रॉब्लम आ रही है, पेशाब बिल्कुल बंद हो रहा है जी, उसमें दिक्कत आ रही, पस भी आ गई पेशाब में और RCB भी बढ़े। मेरे को पेशाब में बड़ी प्रॉब्लम हो रही। अभी कल बात की थी आपके यहाँ भी, उन्होंने के केयर किट भेजी है, वो कह रहे ये भेजेंगे आपके 4-5 दिन में। वो कैसे लेनी और इसके पेशाब का कोई तरीका बताए जी। ठीक है, और देखिए शायद पथरी आपकी टूटने लगी है, और उसके लिए तो आपको सोनोग्राफी करानी पड़ेगी शायद, अगर ये जानना है कि पथरी टूट गई या नहीं। और ये जो आप नुस्खा ले रहे हैं, इसमें पानी बहुत पीना है। पानी पिएंगे तो फोर्स से पेशाब आएगा, यानी जब भी ये लें, ये तो आपका घरेलू नुस्खा है, और जब भी ये आप पिएं तो पानी खूब ज़्यादा पिएं, 3 गिलास पानी पिएं। और ये जो आप लेते हैं पत्थर चट्टा और खसखस, इसमें नींबू ज़रूर मिला लिया करें 1-2, तब पिया करें। और जब भी ये गिलास पानी पिया करें आप, 2 गिलास आधे घंटे के अंदर और पानी पिएं, बहुत जल्दी फोर्स से पेशाब आएगा, और ये पेशाब की जो रुकावट है, ये जो अवरुद्ध हो रहा है, ये ठीक होना मुमकिन है। बहुत बड़ी पथरी है, धीरे धीरे पाउडर बन के निकलेगी, और कभी भी कोई ज़रूरत हो, तकलीफ़ हो, तो दर्द की दवा, डॉक्टर की दवा आप फौरी तौर पर ले सकते हैं, इसमें पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। हरिद्वार से हैं मनोज जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, बताइए, सवाल कर लीजिए। हाँ जी, मैं फरीदाबाद बल्लोगढ़ से बोल रही हूँ। तो कुछ ऐसी बीमारी है शरीर में कि सारा शरीर में सुकड़न सी पड़ गई है, और धरन के अंदर है जो है खिंचाव हो रहा है, एक नस्सी खड़ी हो गई है, वो उसमें कुछ ठंडा गरम खट्टा मीठा खाते हैं तो उसमें असर होता है। उम्र कितनी है? उम्र तो है कम से कम 66-68 साल जी। समझ गया आप, शरीर में सुकड़न आ रही है, कोई नर्व है जो कि इनकी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, और नसों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ठीक है, अच्छा देखिए, एक आता है गौन स्याह, इसे काला गौन भी कहते हैं, ये आप खरीद लें असली वाला। देखिए नकली बहुत मिलता है, ये गौन स्याह अगर आपको असली मिल गया तो ये आप ले लें, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद दूध से लें, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। ये आप शुरू करें, 5-7 दिन सब्र करें, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। मध्य प्रदेश से है रितेश, स्वागत है आपका। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे पापा के लिए सवाल था, उनकी एज 60 है, तो उनके लिए जैतून का सिरका गौन स्याह चल रहा है। हाँ। तो लेकिन उनको एक प्रॉब्लम होती है, दोनों जो मसूड़ों में उनको दर्द होता है बहुत भयंकर, लगभग 1-1.5 साल से। तो उसके लिए सर कुछ अच्छा बता दीजिए नुस्खा जो उनको आराम मिल जाए। तबीयत कैसी है वाली साहब की, तबीयत कैसी है आपके? अभी सर अभी तो इतना कोई रिलीफ नहीं है, दर्द तो है उनको कमर से लेके पैर में, और बीपी शुगर की प्रॉब्लम है अभी, मतलब 6-7 दिन ही हुए हैं अभी तो। अच्छा, 6-7 दिन में कोई बात नहीं, अभी तो फायदा थोड़ा थोड़ा शुरू होगा, और फिक्र ना करें। और मसूड़ों के लिए अगर मल्टी विटामिन की कमी है तो उसका एक कैप्सूल आप दिया करें 3-3 दिन में,
तो वो उससे जाएगी, और अगर वो ज़रूरत के मुताबिक हैं तो फिर एक बहुत आसान सा नुस्खा है। देखिए, ये जो पेट्रोल हम डालते हैं अपने स्कूटर में, ये पेट्रोल किसी कॉटन में लेके ऐसे अपने दांत में पर लगा के और मुंह लटका लें, और दिन में एक बार करना है ये बस, और 2-3 दिन करना है। उनके दांतों का दर्द अच्छा होना मुमकिन है। कैल्शियम का ख्याल रखें, हर हफ्ते कैल्शियम और मल्टी विटामिन का एक कैप्सूल ज़रूर दिया करें, और जब तक जीवन है जब तक दें। हम ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 40 के बाद हर शख्स को एक मल्टी विटामिन विद कैल्शियम एक कैप्सूल या गोली जरूर हर हफ्ते खानी चाहिए। बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। जी हरवंश कौर जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आदाब जी। बहुत खुशी हुई है मेरे को जी, आपसे नंबर मिला आपका जी। धन्यवाद। काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ आपका ये नंबर, डेली आपका प्रोग्राम देख रही हूँ जी। तो बहुत खुशी रही आपसे मिलने से। तो मैं आपका ये प्रोग्राम देती हूँ, तो उसमें मैंने गोल से मंगाया था आपसे, मेरे दर्द मेरे को बिल्कुल आराम है। आराम आराम नहीं है, है? घुटनों में आपकी आवाज कट रही है मैम। हेलो जी, बताइए, आपको घुटनों में आराम है? हाँ जी, बहुत ज्यादा आराम है। मैं जिसको भी बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ यही लेकर खाओ, आराम आ जाएगा। चलिए, आपको पूरा आराम आ जाए। और कोई सवाल हो तो कर लीजिए, बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है। यही सवाल है, मैं आपसे बस ये बात करना चाहती थी, इसमें बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ। देखिए, आप जुड़ी रहिए, आप हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करेंगे। और चलो, और देखिए, यही हमारा मकसद ये है कि हम जो दवा बताएं आदमी वो असली ले, उसको प्रयोग करे, और अगर वो अपने प्रयोग में कामयाब हो जाए तो अपने सारे रिश्तेदारों को बता दे कि भाई देखो ये दवा है, इतनी सस्ती भी है, बहुत आसान भी है, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं देखिए आज से, और पूरा इसका प्रचार प्रसार करिए अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में। एक आदमी से कम 100 लोग होते हैं उसके ख़ानदान में या उससे ज़्यादा। जिसका जैसा बिहेव होता है उसके उतने ही दोस्त होते हैं, उतना ही रिश्तेदारी होती है। जिसका बिहेव ख़राब होता है उसके रिश्तेदार कम हो जाते हैं। तो अब ये आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और सब लोगों को बताना है, हमारे कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें तो फिर उसका प्रचार प्रसार, ताकि आपको भगवान ने फ़ायदा दे दिया, उन लोगों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए जो 10-10, 20-20 साल से परेशान हैं। आज वीर हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ सर, कुछ मेरे को ना एलर्जी रहती है यार सर, अपने खाद्य वाले से जो करने से, और नजले की शिकायत रहती है सर मुझे, रात सोने सो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, पानी शिकायत हो जाती है, जैसे कोई नजला आता है, खांसी वगैरह सांस में दिक्कत हो जाती है सर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 36 साल। सर ठीक है जी। हाँ देखिए, ये जिसको भी परेशानी होती है, जो कुछ आपने कहा, नजला, खांसी, बलगम, छींकें, एलर्जी, पानी आना नाक से, ये उन लोगों को होती है जो जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें कम होती है, ताकत उनको होती है, हम इसे कुव्वत मुदाफियत कहते हैं। तो जिसको भी ये शक्ति कम होती है उसको बार बार एलर्जी होती है। अच्छा, इसका यूनानी में इलाज है, बाकायदा इलाज भी है, बाकायदा इसके लिए दवाएँ भी आती हैं बहुत सारी। और घरेलू नुस्खा इसमें ये है कि देखिए, सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान लीजिए, 100 ग्राम, उन्नाब एक दवा का नाम है, ये बेर जैसे होते हैं लाल लाल, लेकिन इंडिया के नहीं, ईरान के बेर यहाँ मिल जाते हैं आसानी से, सुर्ख होते हैं बिल्कुल। उन्नाब लीजिए 100 ग्राम, सपिस्तान लीजिए 100 ग्राम, और अलसी लीजिए 100 ग्राम। अलसी तो आप जानते ही हैं, उन्नाब का बेर का बीज निकाल देना, और फिर इसमें आप
100 ग्राम ये तीनों चीज़ें लेके सपिस्तान, उन्नाव और अलसी, और इसमें अपने किचन से पीपले कहते हैं हम लोग, पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, ये 30 ग्राम ले, इनको खूब बारीक पाउडर बना के एक चम्मच सुबह एक चम्मच रात को, सुबह को निहार मुँह यानी खाली पेट, रात को सोते समय गर्म पानी से लें। खट्टी चीज़ें 5-6 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दें, जो भी खट्टी चीज़ हो नहीं खाएं। मैं तो कहता हूँ बाहर का खाना भी नहीं खाएं। अगर ये आप लगातार लेते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।